डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र के दौलतखेड़ा गांव के रहने वाले दो मासूम भाई मवेशी को बचाने के चक्कर में पानी में डूब गए। जानकारी के अनुसार दौलतखेड़ा निवासी ताराचंद मालिक के 11 वर्षीय पुत्र मोहित और 13 वर्षीय पुत्र धीरज मवेशी चराने के लिए अपने खेत गए थे। इसी दौरान एक मवेशी पानी के गड्ढे में गिर गया, जिसे निकालने के चक्कर में दोनों भाई उसी गड्ढे में डूब गए। जानकारी मिलने पर स्थानीय निवासियों के साथ परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत लेकर जियालाना अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर मांगलियावास थाना पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे पड़ोस के ये दो बच्चे थे जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, और अचानक एक छोटा भाई डूबने से बड़ा भाई भी उसको बचाने के चक्कर में उतरा तो वो डूब गए। हम उनको जेलन लेकर आए थे, यहाँ लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये कोई तालाब वालाब में डूबे? छोटा सा गड्ढा है सर, जिसमें कोई ज़्यादा नहीं, 5-7 फुट पानी था। रोड पे? हाँ, रोड के थोड़ा साइड में है, तालाब के पास में। ये मांगलियावास के पास में ग्राम दौलतखेड़ा है, वहाँ तालाब के पास में है नाडा है, वहाँ उनके खेत हैं। ये धीरज और मोहित और के दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं जो भेड़ बकरी चराकर वापस आ रहे थे। तो भेड़ गिर गई थी पानी में, तो उसको निकालने के चक्कर में छोटा भाई उतरा, तो छोटा भाई को बचाना, बड़ा भाई धीरज भी पानी में गया था, दोनों बच्चे डूब गए। फिर आसपास के और उसके परिवारजनों ने आके इनको निकाला और हॉस्पिटल लेके आए। क्या नाम है दोनों का और कितनी उम्र है दोनों की? मोहित की तो है 11 साल है, धीरज है 13 साल का है।